तो राम राम जी, सबसे पहले राम राम लिख दो अगर सच्चे राम भक्त हो तो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम बात करने वाले हैं XUV 200 के बारे में। जी हाँ गाइस, महिंद्रा की तरफ से आने वाली है XUV 200। अभी हाल ही में आपने XUV 3XO की अनवीलिंग देखी हुई, गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही, बट उससे नीचे की एक गाड़ी की ज़रूरत थी क्योंकि महिंद्रा के पास अभी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो छोटे सेगमेंट में आती हो। तो महिंद्रा ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो XUV 200 को इंडियन मार्केट में लेके आने वाले हैं। इसके लुक्स की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक्स रहेंगे आप लोगों को, फ्रंट के लुक्स कुछ इस प्रकार इस गाड़ी के देखने को मिलने वाले हैं। ये प्लेस करी जाएगी। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो हमारी 3XO के नीचे यानी कि 745 की वो एक शोरूम पड़ती है बेस मॉडल उसका, तो ये आप लोग आराम से 5 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फीचर्स की इसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलने वाली है। साइड प्रोफाइल भी जो है इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगी हम लोगों को देखने के लिए। स्टाइलिश फ्रंट देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स DRL देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ नीचे फॉग लैम्प्स जो है बेस मॉडल मिसिंग रहेंगे। साइड में अलॉयज देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छे हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं दिए जाएंगे इसमें क्योंकि बेसमेंट मॉडल की हम लोग यहाँ पे बात करने लग रहे हैं। गाड़ी जो है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आने वाली। टॉप एंड वेरियंट में जो है इंजन भी अब की बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा गाइस, जब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की तो इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। 77 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दे सकता है। इसमें एक और इंजन आएगा 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर जो 80 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क, बट इसकी माइलेज होगी 20 किलोमीटर प्रति लीटर की जो रहने वाली है। गाइस इंजन जो है इसमें आप लोगों को महिंद्रा XUV 3XO में जो यूज़ करा गया एक वो इंजन, और साथ साथ एक महिंद्रा नया इंजन भी डेवलप कर रही है, तो शायद से वो वाला इंजन भी जो हम इस गाड़ी में देख सकते हैं। बाकी बात करें डीजल और पेट्रोल दोनों में गाड़ी आपको अवेलेबल देखने को मिलने वाली है। इंटीरियर जो होंगे काफ़ी लग्जरी इस गाड़ी के हमें देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ इसमें कई कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें ब्लैक एक कलर जो है बहुत ज़्यादा शानदार लगेगा देखने में। फ्रंट की तरफ DRL वाले जो हैडलैम्प्स विद प्रोजेक्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं। ऐसी कुछ जो गाड़ी है शायद आ सकती है इंडियन मार्केट में, आपको यहाँ से लुक्स दिख रहे होंगे। इसके साइड प्रोफाइल जो है कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। ऑफ रोडिंग में गाड़ी भरपूर आपको मजे देने वाली, महिंद्रा है तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होगी वो भी ज़बरदस्त होगी। इसी के साथ साथ गाइस कुछ बहुत सारे बेसिक फीचर्स जो हैं वो भी ऐड करे जाएंगे जो आज के टाइम में हर एक गाड़ी में आते हैं। सेफ्टी से ये गाड़ी पूरी भरपूर रहने वाली है। सनरूफ सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स में आने वाली है, तो ये चीज़ आप सिर्फ ऊपर वाले मॉडल्स के लिए रखिएगा। बाकी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे महिंद्रा कनेक्ट, वो सारे फीचर्स जो हैं इस गाड़ी में हमें देखने को मिल ही जाएंगे साथ के साथ। तो गाइस कुल मिला के ये गाड़ी उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन रहने वाली है जो पंच या फिर स्विफ्ट की रेंज में जाना चाहते थे बट महिंद्रा के साथ उनका अलग प्यार है, तो ये गाड़ी आप लोग खरीद सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। गाड़ी जो है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। जितनी कीमत इसकी एक्सपेक्ट करी जा रही है वो लगभग जो है 5 लाख से लेके 6 लाख रुपए एक शोरूम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली। कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हमें इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। तो अगेन ये चीज़ है कि जो जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा शौकीन है गाड़ी चलाने के, उन लोगों को इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा देख के। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की महिंद्रा XUV 200। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी पढ़नी है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है carindianews.com का, आप वहाँ पे जाके पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें इस गाड़ी के सारे फीचर्स इंटीरियर के बारे में बताया गया है। और साथ साथ वहाँ पे कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको किसी भी टाइप की जो है जानकारी लेनी होगी। तो राम राम जी, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और धन्यवाद।